हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूँ उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें लेन चेंज करना चाहिए, स्पेशली सिटी में। अब हम सिटी ड्राइव अगर करते हैं तो हमें लेन चेंज करना पड़ता है। बहुत जगह ऐसी होती है सिचुएशन कि हम लेफ्ट लेन में हैं, हमें राइट लेन जाना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली उस बारे में होने वाली है, चाहे ट्रैफिक में हो चाहे ओपन स्पेस में हो। अभी देखिए, आप लेफ्ट लेन से मैं हल्का सा राइट लेन में आया था, हमें पहले इंडिकेटर राइट की तरफ ले लेना चाहिए। अगर हम लेन चेंज कर रहे हैं तो इंडिकेटर यूज़ करेंगे हम हर जगह, जब भी चेंज करेंगे लेन को। और सिटी ड्राइव में स्पेशली ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं हमें लेन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है जब आगे आप जो ट्रैफिक चल रहा है या तो स्लो चल रहा है या हमें कहीं एक स्टॉप करना है या हमें ऐसी लोकेशन में जाना है। ये देखिए, अभी जैसे यहाँ पे मैं इसके पैरेलली खड़ा करूंगा तो मेरे को हल्का सा लेफ्ट आके ये लेन चेंज करनी पड़ी। यहाँ पे आके मैं स्टैंड कर दिया अपनी कार को, आगे सिग्नल है रेड तो मैंने कम्प्लीटली स्टॉप कर लिया है फ्रेंड्स अभी अपनी कार को। तो इस तरह से हम लेन चेंज करते हैं फ्रेंड्स। लेन चेंज करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमें क्यों जरूरी पड़ता है लेन चेंज करना। अगर हम जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो हम ड्राइव करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस स्पीड में हैं, और हम जो ट्रैफिक में जो स्पीड वो लिमिट होती है उस पर्टिकुलर रोड की, वो उसी रोड उसी लिमिट में हम चला रहे हो और हमें ओवरटेक लेना है, या फिर हमें ऐसा है कि आगे वाला जो व्हीकल चल रहा है वो स्लो मूविंग है और हमें लग रहा है कि हम इससे फास्ट जा सकते हैं या हमें हमारे पास स्पेस है आगे जाने की, तो हम लेन चेंज करके स्विच करके ओवरटेक ले सकते हैं। बट लेफ्ट से ओवरटेक लेना, आप लेन चेंज करिए, ओवरटेक लेना हो तो इंडिकेशन प्रॉपर दे देना चाहिए। सिटी ट्रैफिक में लेफ्ट लेन से ओवरटेक कंपल्सरी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लेफ्ट से ओवरटेक ले रहे हैं तो आपको बहुत अलर्ट होना पड़ता है। हाईवे में लेफ्ट से ओवरटेक नहीं लेना चाहिए किसी भी व्हीकल को, अपार्ट फ्रॉम जो ट्रक, हैवी लोडेड ट्रक चल रहे होते हैं वो राइट साइड में चल रहे होते हैं, तो हाईवे की डिफरेंट बात है फ्रेंड्स। ये अभी मैं सिटी ड्राइव में करने वाला हूँ। अभी आप जैसा भी सिचुएशन देख रहे हैं ये कम्प्लीटली ट्रैफिक वाला लोकेशन है, और कुछ ट्रैफिक हल्का रहेगा, आगे चल के थोड़ा डेंस ट्रैफिक मिल सकता है हमें, तो हमें लेन चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, या ओवरटेक लेना होता है तो हमें क्या करते हैं। तो आगे ये देखिए, ये जो मूविंग हो रहा है इसके अकॉर्डिंग हमें चलानी है अपनी कार को, क्योंकि हमें आगे वाले ट्रैफिक के साथ मैचअप करते हुए अपनी कार को चलानी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स, जब लेन चेंज करना होगा, आगे हम जब ड्राइव कर रहे हैं और आगे देखिए स्लो मूविंग हो गया है, ये इसने स्टॉप किया, आगे स्पीड ब्रेकर है, तो हमें जो लगेगा जो लेन प्रॉपर होगी हमारे लिए हम उसी लेन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, लेकिन हम पीछे अलर्ट ले लेंगे। राइट साइड का जजमेंट या लेफ्ट साइड का जजमेंट हमें करना होगा तो हम पीछे देख लेंगे कि हमारा लेन चेंज हम जब कर रहे हैं तो प्रॉपर स्पेस हो हमारे पास। नहीं तो अगर आप अचानक से लेफ्ट लेन जाएंगे या राइट लेन जाएंगे तो हो सकता है आपके पीछे से कुछ आ रहा हो, आपके ब्लाइंड स्पॉट पे हो या फिर एग्जैक्ट आपकी कार के पीछे हो, तो आप उस समय लेन चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके अगर हल्की सी भी चेंज करेंगे या लेफ्ट लेन लेंगे या राइट लेन लेंगे तो हो सकता है आपकी कार हिट हो जाए उनसे। तो आपने अलर्ट रहना होता है इसमें कि आप लेन चेंज जब करें तो दोनों रियर व्यू मिरर, अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट रियर व्यू मिरर देख लें, और अगर राइट जा रहे हैं तो राइट रियर व्यू मिरर पे ध्यान दे दें। अभी मैं हॉर्न लेते हुए इस बस को ओवरटेक ले लिया हूं, और जैसे कि ये वीडियो फ्रेंड्स लेन चेंज के अकॉर्डिंग है तो आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि अगर हल्का सा ट्रैफिक होता है तो हमें राइट या लेफ्ट लेन जाना हो तो हमें किस तरह से करना चाहिए, जजमेंट लेनी चाहिए सबसे पहले तो, और इंडिकेटर दे देना चाहिए कि हम इस लोकेशन में जा रहे हैं या इस तरीके से चेंज करने वाले हैं। अगर हम लेफ्ट लेन में जाएंगे तो हमें लेफ्ट लेन का इंडिकेटर दे देना चाहिए, मतलब लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर लेना चाहिए, जिससे कि पीछे जो आ रहा है ट्रैफिक उसे पता चले कि आप लेन चेंज कर रहे हैं। अभी जैसे मेरे लेफ्ट लेन अगर मैं लेता हूँ तो आगे से एक ई रिक्शा चल रहा है तो मैं ओवरटेक नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास स्पेस नहीं होगी, तो मैं ये कार के पीछे ही आराम से इजीली जो उनकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग मैं चला रहा हूँ। मैं ओवरटेक लेने का नहीं सोच रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ना ही लेफ्ट में है राइट में तो डिवाइडर है। तो अभी जैसे स्पीड ब्रेकर हम क्रॉस करेंगे फ्रेंड्स, और जो कार आ रही है आपने देखा राइट साइड से किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया है, आप जब देख रहे हो कि ट्रैफिक चल रहा है और आप एकदम से बीच में आ सकते हो तो हिट हो जाएगा, तो वो आराम से अपनी कार को लेके एंटर करे जा रहे थे। तो ये जो होता है फ्रेंड्स पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, तो इस तरह से ड्राइव जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आप इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है या अलग बात है,
बट अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं तो आप इस तरह से नहीं ड्राइव करना चाहिए आपको। अभी मेरे पास आगे देखिए टू व्हीलर चल रहा है तो मैं ओवरटेक ले सकता हूँ, मैं हॉर्न लगा के उनको लेफ्ट की तरफ जाने को कह के फिर ओवरटेक ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आगे स्पेस नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फॉलो ही करना पड़ेगा। आगे भी आगे जो व्हीकल चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होगा हमें। फ्रेंड्स लेन चेंज करने से पहले आपने सबसे पहले जो होता है अलर्ट होना होता है कि आपके पीछे क्या है, और अगर कुछ है तो आपने उसे इंडिकेट कर देना है कि आप लेन चेंज कर रहे हो, उसके बाद ही आप लेन चेंज करिए। और आप जजमेंट जरूर लें अपनी कार का कि आपकी कार वो लेन चेंज कर रहे हैं, आपकी कार सही तरीके से टर्न हो सकेगी, या आप लेन चेंज करेंगे तो प्रॉपर लेन में जा पाएगी या नहीं, इस चीज का जरूर ध्यान दें तभी लेन चेंज करें। अभी देखिए मेरी कार स्टॉप है आगे वाली कार के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन में अगर हमें लेन चेंज करना होता है फ्रेंड्स तो हमें देखनी पड़ती है, जजमेंट लेनी पड़ती है, लेफ्ट या राइट जो भी लेन में जाएंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही हम लेन चेंज कर सकते हैं। अभी मर्जिंग है ट्रैफिक, इधर से उधर शिफ्टिंग और कर रहे हैं, जैसे इधर से उधर उस लेन तक जा रहे हैं कार लेके या बाइक लेके। अभी मेरे पास स्पेस होगी तो मैं अपनी कार आगे बढ़ाऊंगा और अकॉर्डिंगली अपनी आप इसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का जैसे क्लच मूवमेंट भी देख सकते हैं मेरी कार में मैं किस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ। अभी देखिए लेन चेंज मैं कर सकता हूँ, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है और पीछे से कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने स्पेस देखी अपनी, ये देखिए लेन चेंज कर ली क्योंकि मेरे पास लेफ्ट में स्पेस थी और वो जो कार के पीछे मैं रहता तो करीबन तीन चार कार के पीछे हो जाता, तो इस वजह से मैंने लेन चेंज कर ली है, लेफ्ट लेन में ले आ गया हूँ और मैं न्यूट्रल कर चुका हूँ फ्रेंड्स, तो क्लच को रिलीज कर दूंगा, मैंने ब्रेक अप्लाई कर रखी है अभी फिलहाल। अभी जो फ्रंट सिचुएशन है मैं लेफ्ट लेन में हूँ और जैसे ही कार आगे मूव होगी और मेरे पास स्पेस होती है और पीछे से ऐसा ट्रैफिक कुछ नहीं आता है तो मैं लेन चेंज करने की ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक जैसे है और हमें अगर यहाँ से कार निकालनी है अपनी तो हमें क्लच का यूज सबसे ज्यादा लेना होगा, क्लच का यूज आप देखिए किस तरह से मैं हल्के सी रिलीज कर रहा हूँ, कार आगे बढ़ रही है तो मैं स्टॉप कर ले रहा हूँ, इस तरह से हमें क्लच का यूज लेना होगा फ्रेंड्स अगर हम इस कंडीशन में, इस जो कंडीशन है अभी ट्रैफिक की या सिचुएशन आप कह सकते हैं इसमें अगर हम ड्राइव करेंगे तो हमें इसी तरीके से ड्राइव करना है कि क्लच को रिलीज करेंगे हल्की सी आगे मूवमेंट होगी फिर हम कार को आगे स्टॉप करना होगा तो ब्रेक अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया, हल्का सा क्लच रिलीज किया, मेरी कार आगे बढ़ने लगी, क्लच वापिस से प्रेस करके मैंने ब्रेक अप्लाई कर ली है। ये देखिए मेरी कार में आगे इस और स्पेस नहीं है तो मैं और आगे नहीं लेके जाऊंगा अपनी कार को। फ्रेंड्स इसी तरीके से ट्रैफिक में भी हम ड्राइव करते हैं, और लेन चेंज करने की जो वीडियो मैं ये बना रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हम बहुत बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में अटक जाते हैं कि आगे वाली कार जो है मूव नहीं हो रही है और हमें लेन चेंज करना बहुत कंपल्सरी हो जाता है, तो कंपलसरी लेन चेंज करना हो जाता है क्योंकि आगे वाली कार मूव नहीं हो रही होती और हमारे पास स्पेस होता है तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अलर्ट रहें अपने राइट या लेफ्ट से, बहुत बार लेफ्ट से अगर आप लेफ्ट लेन जाना चाह रहे हैं राइट लेन से तो आपको टू व्हीलर मिल सकते हैं, तो आपने उसमें अलर्ट रहना है कि टू व्हीलर अगर मिले आपको तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन रखें उनसे, लेफ्ट लेन जाने से पहले आप ध्यान दें लेफ्ट साइड में आपके साइकिल या टू व्हीलर नहीं हो। ये देखिए जैसे लेफ्ट में साइकिल है तो मैं अगर लेफ्ट लेन जाना चाहूँ तो मैं इंडिकेटर भी अगर देता हूँ तो वो बहुत बार नेगलेक्ट करते हैं, उन्हें इंडिकेटर बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है कि ये इंडिकेट कर रहे हैं लेफ्ट लेन जाने के लिए, तो उससे बेटर रहेगा कि आप खुद अलर्ट रहें और अपनी कार को आप कंट्रोल में रखें, अगर लेफ्ट लेन जा रहे हैं तो प्रॉपर आप देख लें रियर व्यू मिरर में और आराम से पहले देख लें कि स्पीड में कुछ आ रहा है व्हीकल आपकी तरफ, फिर ही आप लेन चेंज करिए। अभी जैसे मेरे पास स्पेस थी बीच में, आप कह सकते हैं कि मैंने लेन चेंज नहीं की बट लेफ्ट लेन जो है वो कंटिन्यू इसी लेन पे चल रही थी तो मैंने अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से मैंने कार को अपनी आगे बढ़ाई है। तो अभी जैसे सिग्नल ग्रीन है और हम आगे
आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। स्पेस होगी तो मैं कार अपनी आराम से निकालूंगा, स्पेस नहीं हुई तो स्पेस वेट करूंगा क्रिएट होने की या स्पेस होने की। तो अभी मेरे पास स्पेस हो गई है फ्रेंड्स, और आगे की तरफ चलते हैं अब हम। अभी देखिए यहाँ से मैं अगर ड्राइव करता हूँ और स्पेस मिलती है लेन चेंज करने की, रिक्वायर्ड पड़ती है। अभी देखिए आगे जैसे वो जो स्लो मूविंग राइट साइड में चल रहा है, तो मेरे को ओवरटेक लेना ही होगा, तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर लगाते हुए मैंने लेन चेंज की और ओवरटेक लेते हुए आगे बढ़ गया, क्योंकि मैं इसके साथ स्लो मूविंग में नहीं चल सकता हूँ, वो लोडेड है, स्लो मूविंग चलेगा। तो मेरे को अलर्ट रहना है और ध्यान रखना है कि अपनी कार, मेरी डाइस जो है, मेरे कार की जो लोकेशन है, जिस जो सिचुएशन से निकाल रहा हूँ मैं कार, उसमें मेरे पास स्पेस होनी चाहिए। अभी जैसे मैं हल्की सी लेफ्ट लेन लूंगा, उस कार के पीछे लगा लूंगा, ताकि मेरे पास जब कार मूव हो तो राइट लेन में जाने वाला, राइट साइड राइट इंडिकेटर दे के अगर कोई राइट लेन की तरफ या राइट टर्न लेना चाहता हो तो राइट की तरफ चला जाए और मैं स्ट्रेट जा सकूं। अभी ग्रीन सिग्नल हो गया है तो मैं कार को अपनी मूव कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली। अभी देखिए फ्रेंड्स आगे चल के मेरे को हो सकता है राइट लेन में जाना पड़े, क्योंकि राइट साइड में जितने भी हैं सब लोडेड ट्रक या मिनी ट्रक चल रहे हैं। तो ये ऐसा होता है कि फ्रेंड्स हमें ओवरटेक लेना ही पड़ता है। अगर स्पेस होगी तो मैं लेफ्ट लेन में जाऊंगा। अभी देखिए मैं राइट लेन में आ गया हूँ, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, स्लो मूविंग वो थ्री व्हीलर्स चल रहे थे, जो कैरेज होता है गुड्स कैरेज। तो अकॉर्डिंगली मेरे को ध्यान रखना है कि मेरी कार किस डाइस में, किस लोकेशन से निकल सकती है। वो जजमेंट हम लगाते हैं कैसे फ्रेंड्स, लेफ्ट राइट का जजमेंट लगाते हैं, जैसे उसके अकॉर्डिंग लेते हुए ही अपनी कार को हम हल्की सी टर्न ले के लेन चेंज कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं लेन चेंज कर रहा हूँ और किस तरह से अपनी कार को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पास स्पेस होगी तो मैं ओवरटेक ले लूंगा कोई भी आगे ट्रैफिक होगा या जैसे भी सिचुएशन अराइज होगी। लेकिन अभी जैसे मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, लेफ्ट में टू व्हीलर्स हैं, मैं ओवरटेक लेके भी कहीं नहीं जा पाऊंगा ज्यादा, वो आगे जाके वापस मेरे को इस लेन में ही ज्वाइन करना होगा। तो मैं आराम से इसी लेन को ही फॉलो करूंगा जब तक मेरे को स्पेस ऐसी क्रिएट होती हुई नहीं दिखती या ओवरटेक लेने की। ये देखिए आगे मेरे कार, जो कार है उन्होंने वो ट्राई कर रहे हैं लेफ्ट से निकल जाने का। अगर उनके पास स्पेस बिल्ड होगी तो वो निकल जाएंगे। अभी जैसे भी हो गई है तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर लेते हुए ये देखिए लेन चेंज कर लिया मैंने, ताकि मैं ये जो दो कार खड़ी है या दो ट्रक है राइट साइड में, उसको ओवरटेक लेफ्ट से ले सकूं और अपनी कार इजीली आगे की तरफ बढ़ा सकूं। अभी मेरे पास लेफ्ट राइट का स्पेस का जजमेंट लेते हुए मेरे को कार आगे बढ़ानी पड़ रही है अकॉर्डिंगली। जैसे ही आपको अभी दिखाया मैंने लेन चेंज, इसी तरह से ट्रैफिक में केयर कर सकते हैं हम। यहाँ पे टू वे टू लेन है, तो लेफ्ट और राइट की लेन में हम जैसे भी चेंज करेंगे तो हमें ध्यान यही रखना है, जैसे कि अभी आपको दिखाया मैंने कि पीछे से कुछ आ रहा हो तो आपने बहुत अलर्ट रहना है, और आगे जो आपके चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपने, जैसे ही आपको स्पेस मिलती है, अभी देखिए जैसे मेरे पास स्पेस है लेकिन मैं लेफ्ट में जो आ रहा था उसको ओवरटेक लिया था, तो वो मेरे पीछे ही था तो मैंने ओवरटेक नहीं लिया उसको, ओवरटेक लिया लेफ्ट लेन की तरफ नहीं गया हूँ मैं। अभी जैसे मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है, लेफ्ट लेन में मैं जा सकता हूँ, मैंने ओवरटेक ले लिया इसको, और ये अभी रिस्की हो सकता था तो मैंने स्लो डाउन कर लिया, क्योंकि आगे भी थ्री व्हीलर स्टॉप था और ये साइकिल भी बीच में ऑलमोस्ट वो अपने लेन में अजीब चला रहे थे, तो वो रिस्की जोन हो जाता है अगर हम ऐसा ध्यान नहीं दें तो। अभी देखिए स्पेस है, लेफ्ट में आ गया मैं, ओवरटेक लूंगा इनको लेफ्ट साइड से और अपनी कार को बढ़ा लूंगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमें अलर्ट रहते हुए अपनी कार को इसी तरह से मूव करना चाहिए, कार जो लेन चेंजिंग करना चाहिए, जैसा भी आप कह सकता हूँ। आगे चल के दिखाता हूँ और ब्रॉड लेन आएगा जिसमें कि आपको और भी और ज्यादा व्हीकल्स दिखेंगे, तो हमें उस व्हीकल्स में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए या हमें किस तरह से आगे अपनी कार को बढ़ाना चाहिए। तो अभी हम जैसे कि ज्वाइन कर रहे हैं लेन, ज्वाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कार को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि आपको फ्रेंड्स दिखा रहा हूं मैं, ये एक और ब्रॉड रोड आ गई है, इस जगह में हम किस तरह से लेंगे। देखिए अभी जैसे मर्जिंग ट्रैफिक है तो मैंने इंडिकेटर लगा दिया, कार को अपनी मर्ज कर रहा हूँ दूसरे ट्रैफिक के साथ। अब मैं आगे बढ़ाते हुए, कार को आगे बढ़ाते हुए आगे से आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स किस तरह से हम लोकेशन में टर्न लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किस सिचुएशन जो अराइज होगी या लेन चेंज करनी पड़ी मेरे को।
अभी जैसे स्ट्रेट में राइट लेन में ही हूँ, मेरे को लेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो ट्रैफिक मूव हो रहा है उसमें स्पेस है मेरे पास, और अगर स्पेस नहीं होती तो मैं लेफ्ट लेन में जाता, क्योंकि यहाँ बस स्टैंड है आगे, तो मैं लेफ्ट लेन जाके कुछ नहीं करूँगा, उल्टा ब्लॉक हो जाऊंगा, तो मैं अपनी लेन में ही बना रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।